हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। KBS इंटरव्यू में जो बायोडाटा आप देंगे उसमें दो चीज़ों में लोगों को कतई डर नहीं होना चाहिए, पर फिर भी डर बनाया गया है बेफालतू का। उसमें एक होता है अचीवमेंट्स में क्या लिखना है, और दूसरा कि जो सर जो एकेडमिक बैकग्राउंड एकेडमिक डिटेल होती है सर, उसमें ऐसा क्या लिख दें सर कि वो हमसे कम से कम क्वेश्चन पूछें। तो ये जो दो डर हैं, इस वीडियो में उन्हीं दो डरों पर चर्चा होगी, ओके। और उन्हीं से संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं आपकी स्ट्रीम से संबंधित, उस पर चर्चा होगी, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा जुड़ो, थोड़ा सपोर्ट करो टेलीग्राम पे। उसके बाद हर स्ट्रीम से संबंधित मैंने बोला था कि कमेंट कर देना, मैं फिर हर स्ट्रीम के क्वेश्चन भी डाल दूंगा। अब मैं यहाँ हर स्ट्रीम के तो नहीं बता सकता ना, घंटा भर तुम लोगों का बर्बाद क्यों करूँ। तो मेन पॉइंट यहाँ होंगे, उसके बाद बाकी टेलीग्राम पे होंगे और यहाँ के कमेंट बॉक्स में भी होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट में अपनी स्ट्रीम लिखिए, यूट्यूब पे लिखोगे तो और अच्छा है, और लोग भी देख लेंगे, उन्हें भी पता चल जाएगा, नहीं टेलीग्राम पे तो आप बता ही रहे हैं, ठीक है। देखो, बायोडाटा होगा आपका, नाम आपका, सारा पर्सनल डिटेल कि आप कहाँ रहते हैं, पिताजी का नाम वगैरह वगैरह। उसके बाद एकेडमिक डिटेल में 12वीं से शुरू करना है, 12वीं से शुरू करना है, फिर ग्रेजुएशन, फिर DL Ed, कई लोग CTET भी लिख रहे हैं, लिखो चाहे ना लिखो, इतना तो वो मान के चल ही रहे हैं ना। ऑब्वियसली आपने पेपर दिया तो आप CTET कर रखे हैं, तो आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर वो ये डर रहे हैं कि सभी के सभी कि सर मैंने फार्म में चूंकि केवल 12वीं और DL Ed मांगा गया था तो मैं ग्रेजुएशन क्यों लिखूं, वो ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछने लगेंगे। तो देखो महाराज, वो ग्रेजुएशन अगर तुम बताओगे नहीं तो वो पूछेंगे कहाँ से की है। तो इस चक्कर में मत रहना कि आप लिखेंगे नहीं तो वो पूछेंगे नहीं, तो आप लिखिए, सीना ठोक के लिखिए कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है। आप नहीं लिखेंगे तो आपसे वो इंट्रोडक्शन तो पूछ ही रहे हैं ना, बायोडाटा पढ़ते पढ़ते वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। आपने अगर उसमें आप नहीं दिखेगा, आप इंट्रो में नहीं बोलेंगे तो वो पूछेंगे हैव यू डन एनी ग्रेजुएशन, क्या आप मास्टर्स भी कर रखे हैं, किस में कर रखे हैं। तो वो बेफालतू उनसे यार तुम उनको चुनौती मत दो, ठीक है, सुकून से लिख के लेके जाओ। कई प्रकार की स्ट्रीमें हैं, बी फार्मा, मैं सबको मेनली 6 कैटेगरीज में बांट रहा हूँ। अधिकतर लोग इन 5 में आ जाएंगे, उसके बाद कॉमर्स हो गया वगैरह वगैरह, और देखो डिग्रियां तो बहुत सारी हैं, तो हम उनकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। डिग्रियां बहुत सारी हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी पहले इन 5 को देखो। कई लोग होंगे जो BSc वाले हैं, BSc में कई प्रकार की BSc है, आर्ट में BA वाले हैं, कई प्रकार की आर्ट होती है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह वगैरह, मेडिकल, बी फार्मा हो गया, MBBS या कुछ डॉक्टर हैं ही, इंजीनियरिंग में कई सारे इंजीनियर हैं, पॉलिटेक्निक भी हो सकते हैं। एजुकेशन सबसे खतरनाक होगा, ठीक है, जिसकी डिग्री ही एजुकेशन में हो, और इसमें ये सब तो है ही क्योंकि DL Ed डिप्लोमा तो सबके पास है, वो तो रिक्वायरमेंट है, तो एजुकेशन में DL Ed तो सबके पास है। कई लोग होंगे जिन्होंने BEd BL Ed भी कर रखी होगी, तो उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अब वो ध्यान से सुनो। ओवरऑल पहले एक लॉजिक सुनो, अगर कोई सेंसिबल व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बदतमीज नहीं है, तो वो इतना खुद भी तो समझ रहा है ना कि भाई मैंने इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर में टोटल 50 सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्या मुझे आज 50 के 50 याद होंगे, क्या मैं चाहूं तो उन्हें याद कर सकता हूं, नहीं कर सकता। वो जो आपके इंटरव्यू लेने आ रहे हैं वो कोई राक्षस नहीं है, मूर्ख नहीं है कि नहीं तुमने इंजीनियरिंग की है, हाँ तुमने 8वें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, डेटा ऑप्टिमाइजेशन, हाँ उसका 8वें चैप्टर का सूत्र बताओ। दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। उन लोगों को आप बदतमीज और राक्षस समझना बंद करिए। उनका एक ही लॉजिक होगा, इन सभी सब्जेक्ट्स से संबंधित कोई एक सब्जेक्ट आपकी 10th तक तो होगा ही, 12वीं तक तो बहुत ज्यादा हो गया, 10th तक तो होगा ही, उससे क्वेश्चन आएंगे गारंटेड, उससे
लाइफ वाले भी क्वेश्चन खास कर आएंगे, गारंटेड लाइफ। अभी समझाऊंगा, पूरी बात ध्यान से सुनना, ये पढ़ के जाना है बस, बेफालतू में परेशानी नहीं लेनी है, सभी की बात कर रहा हूं। सर मैंने MBBS किया हुआ है, तो पहला तो एक तो वो क्रॉस क्वेश्चन सब लोग इस तरह के लोग तैयार करके जाओ, जिसने भी BEd या BLed नहीं कर रखी है, एक चीज आपको याद करनी है कि अगर यही करना था तो यहां क्या करने आए हो, अगर यही टीचर ही बनना था तो ये क्यों किया, एक कुछ चीज। उसका आंसर सर हिंदी में समझा रहा हूं फिर इंग्लिश में बताऊंगा। सर जब मैं ये डिग्रियां शुरू कर रहा था तब मैं 12वीं क्लास का मध्यम वर्गीय बच्चा था सर, उस वक्त की जानकारी के अनुसार मैंने और मेरे परिवार ने ये निर्णय लिया कि अच्छे भविष्य के लिए इनमें से कोई डिग्री जो आप करने वाले हो उसमें से सही रहेगी, तो मैंने उसका चुनाव किया। सर हम बारहवीं के बाद अपना ग्रेजुएशन विषय के प्रति लगाव देखकर चुनते हैं, ना कि नौकरी के प्रति लगाव देखकर। मुझे गणित पसंद थी सर, इसलिए मैं इंजीनियरिंग में चला गया। मुझे इकोनॉमिक्स पसंद थी, इसलिए मैं आर्ट में चला गया। सर मुझे उस सब्जेक्ट से लगाव था। जब लेकिन मैं ग्रेजुएशन करने गया तब मैं थोड़ा अपने अच्छे प्रोफेसरों के संबंध में आया और उन्होंने मुझे समझाया कि नौकरी जिस बेस पे करो उसके प्रति लगाव बहुत जरूरी है। और तब मैंने जब वॉलंटियरली और क्लास में ही अपने मित्रों को हल्का पढ़ाना शुरू किया तब मेरा पढ़ाने के प्रति रुझान पैदा हुआ। ये बोलना है हिंदी में, इंग्लिश इसकी बता देंगे, परेशान मत हो। सर व्हेन आई वाज डूइंग माय 12th, व्हेन आई वाज डूइंग माय सीनियर सेकेंडरी, व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटरमीडिएट एग्जाम, आई वाज थिंकिंग ऑफ ग्रेजुएशन प्योरली ऑन द बेसिस व्हाट सब्जेक्ट आई लाइक इन द 12th। सिंस आई लाइक द मैथ एंड फिजिक्स, I thought concerning my middle class background that it would be fine to join an engineering organization, an engineering degree, pursue an engineering degree to have a better future. When I started doing engineering, then my professors, who were a brilliant professors, who made me more mature to think about my life choices more clearly, and I chose to do education. That's it. वन एंड डन है, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन बताया मैंने कि ये डिग्री की थी तो यहां क्या कर रहा है, पहला को। दूसरा, हाउ विल यू यूज द नॉलेज दैट यू गेन फ्रॉम दिस डिग्री इनटू टीचिंग द किड्स, हाउ विल यू अप्लाई द नॉलेज दैट यू गेन्ड इन डिग्री, हाउ विल यू यूटिलाइज द नॉलेज व्हेन व्हाट यू अर्न इन दिस डिग्री, जो डिग्री में पढ़ा है उसका इस्तेमाल पढ़ाने में करोगे कैसे। मेडिकल वाले न्यूट्रिशन में घुस जाएंगे कि सर आई हैव स्टडीड नेट अबाउट न्यूट्रिशन इन माय मेडिकल डिग्री। आर्ट वाले हिंदी और इंग्लिश में घुस जाएंगे, EVS में भी घुस सकते हो कि सर आई विल यूज दैट। साइंस वाले ऑब्वियसली EVS में घुसेंगे, इंजीनियरिंग वाले किसी में भी घुस सकते हैं, वो तो परम सत्य है ही। मैथ में घुसना ज्यादा आराम रहेगा, जो एजुकेशन में है ही वो तो यार उनसे तो एक्सपेक्टेड है कि आप तो इसी की प्रिपरेशन ही कर रहे थे, आपकी डिग्री ही मास्टरी में है, तो आपसे डीप में ज्यादा पूछा जाएगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, एजुकेशन DLED या BEd MEd जिसकी है उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिटेल में आएंगे, क्योंकि वहां वो जो बैठे होंगे ना वो सब भी BEd MEd वाले व्यक्ति होंगे। तुम सीधे जिस डिग्री में उन्होंने कर रखा है तुम उस डिग्री में बैठोगे तो वो तुमसे कायदे से पूछेंगे, तो तुम कायदे थोड़ा देख के जाना, पियाजे वाइगोत्स्की टाइप शिक्षण के सिद्धांत थोड़ा देख लेना, तुमसे तो घुस के पूछेंगे। इन लोगों से वो DLED भर की उम्मीद कर रहे हैं कि बस ये 5 के बच्चों तक को पढ़ा लेता है, यानी इतना ही चेक करेंगे और वो हम चेक करवा देंगे। अब वो प्रश्न सब्जेक्ट से कैसे पूछेंगे वो समझो। तो एजुकेशन वाले तो मैंने बताया, तुम तो पढ़ के जाओ कायदे से, KVS के नोट्स एक बार देख लेना अपने, अगर एजुकेशन डिग्री है तुमसे घुस के पूछा जाएगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम चारों या पांचों इसके अलावा और जो भी हो, अगर आप इंजीनियर हैं
तो जिस ब्रांच में आपने इंजीनियरिंग कर रखी है उससे संबंधित फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो टॉपिक हो पढ़ के जाना, पूछा जाएगा। लेट मी बी परफेक्टली क्लियर, पढ़ के जाना। और पढ़ने से मतलब ये नहीं कि 150 पन्ना पढ़ के जा, शॉर्ट समरी जुगाड़ सबकी हो जाती है। टेंथ में केमिस्ट्री फिजिक्स है ना, देख लेना यार उसको, इतना परेशान क्यों हो रहा। मेडिकल है तो बायोलॉजी भी देखनी पड़ जाएगी, आर्ट है तो SST पढ़ के जाओगे अच्छे से, साइंस है तो साइंस पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। दैट्स इट। वो ये टेस्ट करेंगे कि बड़ा घमंड झाड़ रहे हो तुम्हें कि तुमने अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है, तुमने मेडिकल कर रखी है, यही बता दो कि वायरस होता क्या है। इंजीनियरिंग कर रखी ना, बहुत नेता बन रहे हो ना, इंजीनियर हो तुम, यही बता दो कि इंजन काम कैसे करता है, यही बता दो जनरेटर काम कैसे करता है, सब तो हाई स्कूल में है ना, इतना ही बता दो। वो इस मोड में बैठेंगे, और इसमें भी होता ये है कि 90% नहीं बता पाते। तो हाई स्कूल तक का साइंस मेडिकल इंजीनियरिंग वालों को अच्छे से पढ़ के जाना है, आर्ट वाले SST बिल्कुल घोंट के जाना हाई स्कूल तक की, हो सके तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना, अपने पूरा एक दिन कल का इसी में देना, कुछ और नहीं पढ़ना, KV कल्चर वगैरह, एक दिन सुबह उठो शाम तक 12 घंटे केवल उस सब्जेक्ट को पूरा पहले से आखिरी पन्ने तक समझ समझ के पढ़ा लो, एक ही काम करना है, तो तुम्हारा सब्जेक्ट से जो एक या दो क्वेश्चन तीन बनेंगे वो हो जाएंगे, चिल रहना। तुम्हें अपनी डिग्री जस्टिफाई करने के लिए ये नहीं बताना है, ठीक है, आई बात समझ में। अब आए अचीवमेंट्स पे। एक अचीवमेंट होते हैं जो आप कॉलेज में पाते हैं पर उनके सर्टिफिकेट भी होते हैं, एक होते हैं जो आपके सर्टिफिकेट प्रॉपर कॉलेज के बाहर होते हैं, CCC सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, और जिसके पास ये कुछ ना हो वो क्या करें, या जिसके पास ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो उसको लगता है अचीवमेंट्स हैं पर उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्या करें। तो पहली बात, अचीवमेंट्स में कुछ भी ना लिखे हो, नहीं लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं है कि हमने अचीवमेंट्स में कुछ नहीं लिखा है, इस व्यक्ति ने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, डो नॉट वरी अबाउट इट। पहली चीज, मैं जैसे पूरा अचीवमेंट छोड़ के जा रहा हूं, आप भी जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इस बात से, कतई ये नहीं सोचना कि तुम लोग जो है कम पीछे न रह जाओगे उन लोगों से, ऐसा कुछ नहीं होना है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट अचीवमेंट्स, पर अचीवमेंट्स अगर लिखो तो उसकी पूरी बाल की खाल पढ़ के भी जाना, क्योंकि अगर उनके दिमाग में ये चीज आ गई कि ये फेक अचीवमेंट्स है, वो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं करेंगे। इट्स बेटर टू हैव नो अचीवमेंट देन टू हैव फेक अचीवमेंट्स, दैट सिंपल। ठीक है, अचीवमेंट्स में किसी भी अवेयरनेस प्रोग्राम में अगर तुम रहे हो, वॉलंटियर किए हो, तो वो लिख सकते हो। अचीवमेंट की टेंशन मत लो, उस पर मैं भी तुम्हें नहीं कुछ बताऊंगा, कोई कुछ नहीं बताया, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए भाई। अचीवमेंट्स के ठीक पहले एक सूटेबिलिटी नाम का क्वेश्चन होता है बायोडेटा में, सूटेबिलिटी वो पढ़ेंगे, उससे पूछेंगे भी, उससे तुम्हारे विचार जानेंगे, वह सही हो गया, उनको कोई मतलब नहीं तुम इससे पहले क्या करके आए हो। सूटेबिलिटी पे लेक्चर इसके ठीक बाद आएगा, सो प्लीज जुड़े रहिए, दो तीन दिन और जुड़े रहो, हल्की हल्की चीज बता रहा हूँ, एक साथ 25 लेक्चर डालने का कोई नौटंकी नहीं है, 5-5 मिनट की बात सुनो ताकि पूरे दिन उस पर पढ़ाई कर सको। ठीक है, कोई और डाउट है कमेंट में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, और बस लगे रहो।